समंदर सा था दिल, अब दरिया हो गया, गेहूं काटते काटते मुंह करिया हो गया। आने वाला महीना बहुत व्यस्त है, क्योंकि चुनाव भी है, परीक्षा भी है, शादी भी है, आईपीएल भी है और गेहूं की कटाई भी है। अरे चाइनीज मोहब्बत थी, ससुरी टूट कर बिखर गई, अरे दिल तो हिंदुस्तानी था, एक और लपक ली। पगली भले तू बदरिया जैसी दिखती है, पर जैसी भी है तू मेरी बदरिया ही है। शादी के वक्त अल्टीमेट डायलॉग, हमारी बेटी गाय है गाय, ये नहीं बताते कि कभी कभी सींग भी मारती है। अपनी बीबी को इतना प्यार कीजिए, इतना ज्यादा प्यार कीजिए कि पड़ोस वाली भी देखकर बोले काश मैं इनकी बीबी होती। एक डॉक्टर साहब गांव के आदमी के पिछवाड़े पे सूजी लगाते हुए बोले काबे बीड़ी पीता है का? काहे डॉक्टर साहब धुआं निकलाता है का? इस दुनिया में सच्चा दोस्त वही है बेटे, जो तुमको पिला दे या फिर दिला दे। साहब ने आदमी से पूछा ये बता तेरे होंठ कैसे जले, आदमी ने डॉक्टर साहब से बोला डॉक्टर साहब मायके जाने के लिए पत्नी को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था, खुशी के मारे साड़ी बन पाती है इंजन को चूम लिया। इस दुनिया में सिर्फ शादी ही एक ऐसी घटना है जहां चोट लगने से पहले हल्दी लगा दी जाती है। अच्छा अर्ज किया है कि गुजर रही है जिंदगी ऐसे मुकाम से, कि गुजर रही है जिंदगी ऐसे मुकाम से, कि अपने भी दूर हो जाते हैं जरा सी जुखाम से। कोई नया व्यक्ति काम जल्दी में। कितना जमाना बदल गया है, पहले किसी को छींक आती थी तो चलता हुआ आदमी रुक जाता था ताकि मेरा काम ना रुक जाए, अब किसी को छींक आती है तो रुका हुआ आदमी चल देता है कहीं इसके साथ मेरा काम ना हो जाए। अब तू हमारे यहाँ बैठ। अब दिवाली आने वाली है, दिवाली नजदीक है, नवरात्रि के बाद दिवाली, अब दिवाली आने वाली है, अब पापा की परिया उड़ कर घर के कोने के जाले साफ करेंगी। कवि सम्मेलन संस्थान को एक मौलिक संदेश देता हूँ, बात खत्म करता हूँ हमारे शहर के सर। हम लोग